नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। रक्षा मंत्री के अनुसार भारत के सीमावर्ती गांव देश की रक्षा की पहली पंक्ति है। भारत के उपराष्ट्रपति ने समाज में सूक्ष्म स्तर पर व्याप्त लैंगिक भेदभाव को दूर करने पर बल दिया। RBI ने सतत कृषि के लिए वित्त पोषण से जुड़े मुद्दों को रेखांकित किया। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के अनुसार जूट उत्पादन में 20% की गिरावट की संभावना है। डिजीज मॉडलिंग, औषधि विकास और पर्सनलाइज्ड चिकित्सा के लिए ऑर्गन्स ऑन चिप्स यानी OOCs प्रौद्योगिकी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने WMO ओजोन एंड UV बुलेटिन का दूसरा संस्करण जारी किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। रक्षा मंत्री के अनुसार भारत के सीमावर्ती गांव देश की रक्षा की पहली पंक्ति है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने सीमावर्ती गांवों को भारत की भू सामरिक अवस्थिति से उत्पन्न कई चुनौतियों से निपटने में देश की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में वर्णित किया है। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सीमावर्ती गांव देश की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कैसे कार्य करेंगे। पहला बिंदु है खुफिया जानकारी एकत्र करने में। दुश्मन देशों से सुरक्षा खतरों, संदिग्ध गतिविधियों, तस्करी के प्रयासों आदि के बारे में वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा निगरानी करने में स्थानीय इलाकों, क्रॉसिंग पॉइंट्स, आवाजाही के पैटर्न आदि से अच्छी तरह से परिचित होने के कारण सीमा पर रहने वाले स्थानीय निवासी सीमा सुरक्षा बलों के लिए निगरानी रखने वाले स्रोत के रूप में काम करते हैं। अगला है कर्मियों की कमी से निपटने में। उदाहरण के लिए 2020 में लद्दाख के चुशूल गांव के निवासियों ने चीनी सैनिकों के साथ झड़प के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने में सेना की मदद की थी और साथ ही विकसित सीमा क्षेत्र उस क्षेत्र पर शत्रु देशों के दावों को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव बस्तियों और अवसंरचना की मौजूदगी किसी देश के अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को प्रकट करती है। इससे उस क्षेत्र पर पड़ोसी देशों के किसी भी भ्रामक दावे का खंडन होता है। इसके अलावा इससे संवेदनशील क्षेत्रों में सैनिकों की शीघ्र तैनाती में भी मदद मिलती है। मौजूदा चुनौतियों या चिंताओं की बात करें तो पहाड़ी और दुर्गम इलाके होने के कारण अवसंरचना विकास में बाधा आती है। इसका एक उदाहरण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचनाओं की कमी है। साथ ही सीमाओं पर छिटपुट मानव बस्तियां बसी होती है और जनसंख्या घनत्व भी कम होता है। सीमा पर अवैध आवाजाही, उग्रवाद, तस्करी जैसी गतिविधियों के कारण निरंतर कानून और व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। इसके अलावा विकास से जुड़ी सुविधाओं से वंचित होने और कमजोर सामाजिक आर्थिक संकेतक के कारण सरकार के प्रति स्थानीय लोगों में विश्वास की कमी देखी जाती है। इसके साथ ही शत्रु देशों द्वारा सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। उदाहरण के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन नए सीमावर्ती गांवों को बसा रहा है। खबर के अंत में सीमावर्ती गांवों से जुड़ी प्रमुख सरकारी पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करना, मानव आबादी के पलायन को रोकना और स्थानीय संस्कृति को संरक्षित करना है। इसके अलावा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी BADP, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लोगों की विकास से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसके साथ ही कनेक्टिविटी में सुधार हेतु पहले अटल सुरंग, सेला सुरंग और शिकुनला सुरंग जैसी परियोजनाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार किया जा रहा है। और अंत में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश के लंपो में सरकार द्वारा वित्त पोषित 4G एयरटेल सेवा शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति ने समाज में सूक्ष्म स्तर पर व्याप्त लैंगिक भेदभाव को दूर करने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति के अनुसार प्रत्यक्ष रूप वाले लैंगिक भेदभाव जैसे जेंडर अनुकूल अवसंरचना का अभाव आदि का उन्मूलन हो गया है, परंतु इस भेदभाव ने अब सूक्ष्म रूप धारण कर लिया है। सूक्ष्म स्तर पर लैंगिक भेदभाव उन दृष्टिकोणों और व्यवहारों के माध्यम से प्रकट होता है जो पहली नजर में जेंडर अनुकूल लग सकते हैं, परंतु वास्तव में वे जेंडर आधारित पारंपरिक भूमिकाओं को मजबूत बनाने और असमानता बनाए रखने में योगदान देते हैं।
चलिए खबर में सबसे पहले लैंगिक भेदभाव के सूक्ष्म रूपों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है रूढ़िवादिता को मजबूत करने वाली प्रशंसा। इसके तहत ऐसी सकारात्मक टिप्पणियां शामिल होती हैं जो वास्तव में पुरुषों और महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाओं को मजबूती प्रदान करती है और महिलाओं की क्षमताओं को कम आंकती है। दूसरा है भर्ती, पदोन्नति और मूल्यांकन। शारीरिक बल वाले कार्यों अथवा नेतृत्व या प्रबंधन वाले पदों पर पुरुषों को नियुक्त किए जाने से संबंधित रूढ़िवादी पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद है। तीसरा है सूक्ष्म स्तर पर अपमान यानी माइक्रो अग्रेशन। अक्सर अनजाने में की गई छोटी छोटी टिप्पणियां भी लैंगिक रूढ़िवादिता को मजबूत करती है, भले ही ये टिप्पणियां प्रत्यक्ष रूप से हानि नहीं पहुंचाती हो। उदाहरण के तौर पर समझे तो ये कहना कि महिलाएं पारिवारिक कारणों से अपने करियर के प्रति कम प्रतिबद्ध होती हैं। और चौथा कारण है ऑफिस कार्य और घरेलू जीवन के बीच संतुलन से जुड़ी मान्यताएं। पारंपरिक रूप से समाज यह मानता है कि बच्चों की देखभाल और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने का काम महिलाओं का है। इस प्रकार की मान्यताएं महिलाओं को अधिक प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में लैंगिक भेदभाव के सूक्ष्म रूपों के समाधान के तरीके क्या हो सकते हैं, इस पर भी गौर करते हैं। पहला है जेंडर उजागर किए बिना उम्मीदवार का मूल्यांकन। उदाहरण के तौर पर देखें तो नौकरी हेतु आवेदन में शारीरिक माप या लक्षणों की मांग नहीं की जानी चाहिए। एक और तरीका है समावेशिता की संस्कृति बनाना। कार्यस्थलों पर ऐसी संस्कृति विकसित की जानी चाहिए जो जेंडर तटस्थ होकर सभी के विचारों और सुझावों का सम्मान करती हो। वहीं तीसरा है कार्यस्थल पर रूढ़िवादी लैंगिक पूर्वाग्रह पर नजर रखना। ये कार्य विविध तरीकों के माध्यम से संपन्न किया जा सकता है। इनमें लोगों की धारणाओं का सर्वेक्षण, भाषा के प्रयोग का विश्लेषण, वेतन और करियर उन्नति में जेंडर के आधार पर भेदभाव का विश्लेषण आदि शामिल है। और चौथा है पुरुषवादी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता। ये लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता को व्यापक तौर पर बढ़ावा देने के जरिए किया जाना चाहिए। खबर के आखिर में लैंगिक भेदभाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, इसे महिला पुरुष के बीच मौजूद वेतन में अंतर को कम करने के लिए लागू किया गया है। अगला मुख्य कदम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को लैंगिक पूर्वाग्रह के खिलाफ शिक्षित करना और कल्याणकारी सेवाओं की प्रभावकारिता में सुधार करना है। तीसरा है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP। ये कार्यक्रम महिलाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करता है। इसके अलावा है मिशन शक्ति, जो महिलाओं के बचाव, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। RBI ने सतत कृषि के लिए वित्त पोषण से जुड़े मुद्दों को रेखांकित किया। सतत या संधारणीय कृषि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। हालांकि खाद्य सुरक्षा और कृषि आय के लिए सतत वित्त पोषण पर हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में RBI द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों के अनुसार सतत कृषि का वित्त पोषण एक चुनौती बनी हुई है। खबर के शुरुआत में भारत में कृषि के वित्त पोषण से जुड़े मुद्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला मुद्दा है क्षेत्रीय असंतुलन। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार कृषि के वित्त पोषण में दक्षिण क्षेत्र की हिस्सेदारी 47.13% है, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिस्सेदारी 0.76% है। इसके बाद है ऋण तक पहुंच से जुड़े मुद्दे। 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 23% ऋण गैर संस्थागत स्रोतों से प्राप्त होता है। अगला मुद्दा है भू जोतों का विखंडन। ऐसे मुद्दों के कारण गैर एकीकृत मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण जारी किया गया है। अन्य मुद्दों में वित्त की उच्च लागत, ऋण लेने के लिए जमानत की अनुपलब्धता, वित्त पोषण की जटिल प्रक्रियाएं आदि शामिल है। आइए अब सतत वित्त पोषण के लिए सुझाए गए समाधानों पर एक नजर डालते हैं। सौदेबाजी की शक्ति, प्रौद्योगिकी तक पहुंच और सुनिश्चित विपणन को बढ़ाने में किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs और किसान उत्पादक कंपनियों यानी FPCs जैसे समूहों की भूमिका में वृद्धि की जानी चाहिए। किसानों, एग्रीगेटर्स, व्यापारियों, प्रोसेसर्स जैसे अलग अलग हितधारकों को एक समन्वित प्रणाली में एकीकृत करके मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण किया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने के लिए भंडार गृहों का वित्त पोषण किया जाना चाहिए। साथ ही सिंचाई संबंधी अवसंरचना का विस्तार करने,
तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों और कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण संबंधी प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। सरकारी योजनाओं और ब्याज अनुदानों के समन्वित उपयोग के माध्यम से पूंजी निर्माण किया जाना चाहिए। और अंत में वित्त पोषण मॉडल के विस्तार के लिए प्रौद्योगिकी और डेटा संचालित अंतर्दृष्टि का लाभ उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए फसल की पैदावार पर नजर रखने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग स्थापित करना चाहिए। खबर के अंत में कृषि के वित्त पोषण के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC जारी किए जाते हैं। इसके अलावा फार्म गेट अवसंरचना के लिए कृषि अवसंरचना कोष यानी AIF स्थापित किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फार्म गेट अवसंरचना कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख घटक है। इसमें कृषि उत्पादों के संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और वितरण की सुविधाएं शामिल है। इसके साथ ही गोदामों और भंडार गृहों के निर्माण या नवीनीकरण के लिए कृषि विपणन अवसंरचना यानी AMI योजना शुरू की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य इनपुट से लेकर उपभोक्ता बाजारों तक व्यापक मूल्य श्रृंखला बनाना और निर्यात को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय जूट बोर्ड के अनुसार जूट उत्पादन में 20% की गिरावट की संभावना है। वित्त वर्ष 2024-25 में जूट उत्पादन में ये गिरावट प्राकृतिक आपदाओं के कारण आ सकती है। पश्चिम बंगाल और असम जैसे प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के कुछ इलाकों में बाढ़ के कारण जूट की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके कारण उत्पादन में कमी आ सकती है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ सबसे पहले जूट उद्योग के बारे में बात करते हैं। भारत विश्व में जूट से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन करने वाला अग्रणी देश है। जूट से निर्मित वस्तुओं के अनुमानित वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 70% है। ये पूर्वी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों में से एक है। भारत का लगभग 73% जूट उद्योग विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में है। जूट उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा स्थानीय स्तर पर उपभोग किया जाता है। वहीं इससे मिलने वाले अवसर की बात करें तो ये उद्योग संगठित मिलों में 0.37 मिलियन कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। जूट निर्यात में सालाना 4,500 करोड़ रुपए के निर्यात की क्षमता है। वहीं 2023-24 में ये क्षमता 3,000 करोड़ रुपए थी। चलिए अब इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं। पहली चुनौती है घटता हुआ क्षेत्र। जूट की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कमी आई है। 2013-14 से 2021-22 के बीच 1.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कम हुआ है। वहीं दूसरी मुख्य चुनौती है कम लागत वाले विकल्प की उपलब्धता, जैसे सिंथेटिक उत्पाद। साथ ही जूट जियो टेक्सटाइल जैसे जूट उत्पादों की खरीद के लिए राज्यों की ओर से प्रोत्साहन की भी कमी है। तीसरी चुनौती है गुणवत्ता। उगाए जाने वाले कच्चे जूट के 80% से अधिक हिस्से की गुणवत्ता औसत से कम या खराब है। इनके अलावा कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे कि आधुनिकीकरण की कमी, कुशल श्रम बल की कमी आदि। वहीं सुझाए गए उपायों की बात की जाए तो नई मिलें स्थापित करने के लिए व्यापक नीति तैयार की जानी चाहिए और साथ ही कुशल श्रमिकों की कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त योजना तैयार की जानी चाहिए। इसी के साथ खबर के आखिर में जूट उद्योग हेतु शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम 2008 के अनुसार राष्ट्रीय जूट बोर्ड NJB का गठन किया गया है। ये जूट की खेती और जूट उत्पादों के विनिर्माण एवं विपणन के विकास के लिए अधिकृत है। राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम ये जूट उद्योग के विकास के लिए एक व्यापक योजना है। जूट उत्पादों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना भी शुरू की गई है। भारतीय जूट निगम JCI की स्थापना की गई है। जूट पैकेजिंग सामग्री पैकेजिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग अधिनियम 1987 को जूट पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग के लिए अधिनियमित किया गया है। इनके अलावा कुछ अन्य पहलुओं पर भी एक नजर डालते हैं, जैसे कि जूट मार्क लोगो, इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रेटिंग एक्सरसाइज, जूट आई केयर योजना आदि। अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। डिजीज मॉडलिंग, औषधि विकास और पर्सनलाइज्ड चिकित्सा के लिए ऑर्गन्स ऑन चिप्स प्रौद्योगिकी। मानव उपयोगी 3D कल्चर मॉडल्स में हाल ही में हुई प्रगति को न्यू अप्रोच मेथड्स यानी NAMs के रूप में जाना जाता है। ये मॉडल्स बीमारियों का अधिक सटीक और प्रभावी उपचार विकसित करने के नए तरीकों के बारे में उम्मीद जगाते हैं।
आपको बता दें कि इन कल्चर मॉडल्स में 3D स्फेरॉइड ऑर्गेनाइड बायो प्रिंटिंग और ऑर्गन्स ऑन चिप्स यानी OSCS तकनीक शामिल है। आइए सबसे पहले समझते हैं ऑर्गन्स ऑन चिप्स यानी OOCS तकनीक क्या है। इस तकनीक में चिप के आकार के डिवाइस में शरीर के अंगों जैसे फेफड़े हृदय आदि के मिनिएचर मॉडल बनाने के लिए लघु फ्लूइड चैनलों का उपयोग किया जाता है। ये लघु फ्लूइड चैनल शरीर में रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन व पोषक तत्व परिवहन जैसी कार्य प्रणालियों का अनुकरण करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये चिप्स लचीली सामग्री में विकसित जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। ऑर्गन्स ऑन चिप्स तकनीक के लाभ क्या है ये भी जान लेते हैं। पहला है जानवरों पर परीक्षण में कमी। ऑर्गन्स ऑन चिप्स तकनीक कई मामलों में जानवरों पर नई दवाइयों के परीक्षण की आवश्यकता समाप्त कर सकती है। इसके अलावा अधिक सटीक जैविक प्रतिक्रियाएं। पारंपरिक 2D कल्चर की तुलना में ऑर्गन्स ऑन चिप्स तकनीक में शरीर के अंग उपचार के प्रति सटीक प्रतिक्रिया देते हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और ऑर्गन्स ऑन चिप्स यानी OOCS तकनीक के उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला है नई दवाइयों का विकास। यह तकनीक दवाइयों के असरदार होने का अध्ययन करने में मदद करती है। साथ ही इसका उपयोग नई दवाइयों की जांच और विकास के लिए भी किया जा सकता है। इसके बाद है सटीक दवा का विकास। विशिष्ट रोगियों के लिए विशिष्ट उपचार विकसित किया जा सकता है। इसके अलावा रोग की कार्यप्रणाली के अध्ययन में इस तकनीक से रोगों की कार्यप्रणाली को समझने और शरीर में उपचार के लिए टारगेट किए जाने वाले अंगों या रोगाणुओं की पहचान करने में मदद मिल सकती है। और अंतिम है कोशिकाओं के बीच अंतःक्रियाओं के अध्ययन में उपयोग। इस तकनीक से शोधकर्ता यह अध्ययन कर सकते हैं कि कोशिकाएं एक दूसरे के साथ कैसे अंतःक्रिया करती है। इससे जीवित कोशिकाओं के आसपास के परिवेश और वे इसे कैसे नियंत्रित करती हैं इसे समझने में मदद मिलेगी। ऑर्गन्स ऑन चिप्स यानी OOCS तकनीक से जुड़ी चुनौतियों की बात करें तो इनकी विनिर्माण प्रक्रियाओं के लिए समान मानक मौजूद नहीं है। इसके अलावा ऑर्गन्स ऑन चिप्स तकनीक के उपयोग पर वैश्विक स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल और सामग्री की कमी है। इसके साथ ही मानव अंगों की जटिल कार्य प्रणालियों का पूरी तरह अनुकरण करना बड़ी चुनौती है आदि। खबर के अंत में ऑर्गन्स ऑन चिप्स तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है नई दवाएं और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 में संशोधन। ये संशोधन नई दवाइयों का मूल्यांकन करते समय जानवरों पर परीक्षण से पहले तथा उसके साथ ह्यूमन ऑर्गन्स ऑन चिप्स व अन्य न्यू अप्रोच मेथड्स के उपयोग की अनुमति देता है। इसके अलावा बायो E3 नीति, यह जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की नीति है। इस नीति का मुख्य फोकस क्षेत्र सटीक चिकित्सा उपचार विकसित करना है। चलिए रुख करते हैं आखिरी मुख्य खबर की ओर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने WMO ओजोन एंड UV बुलेटिन का दूसरा संस्करण जारी किया। यह बुलेटिन विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस वर्ष विश्व ओजोन दिवस की थीम है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। चलिए सबसे पहले WMO बुलेटिन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थों की ODS मात्रा में कमी के साथ ही ओजोन परत की मोटाई में वृद्धि हो रही है। 1980 के स्तर के बराबर ओजोन परत की पूर्ण मोटाई अंटार्कटिका में 2066 तक, आर्कटिक में 2045 तक और शेष विश्व में 2040 तक प्राप्त होने का अनुमान है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन के लागू होने के प्रभाव से 2100 तक ग्लोबल हीटिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। खबर को बेहतर तरीके से समझने के लिए ओजोन परत के बारे में भी बात करते हैं। ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये परत आणविक ऑक्सीजन O2 के साथ सौर पैराबैंगनी विकिरण की परस्पर अभिक्रिया द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है। ओजोन परत को मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs, हेलोन जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों ODS के कारण नुकसान होता है। ओजोन छिद्र मुख्य रूप से अंटार्कटिका के ऊपर पाए जाते हैं।
वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंटार्कटिका के ऊपरी वायुमंडल यानी समताप मंडल में ऐसे बादल बनते हैं जो ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले रसायनों को आधार प्रदान करते हैं। ये रसायन आपस में अभिक्रिया करके ओजोन का क्षरण करते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ओजोन छिद्र वास्तव में वे क्षेत्र हैं जो हानिकारक पराबैंगनी यूवी विकिरणों से क्षतिग्रस्त होते हैं। ओजोन क्षरण के दुष्प्रभाव क्या हैं, इस पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, जैसे कि त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाना। अगला है पादपों पर प्रभाव, विकास और वृद्धि में बाधा उत्पन्न होना। और तीसरा है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव, पादप पलवक यानी फाइटोप्लांक्टन के अस्तित्व को खतरा पहुंचना आदि। खबर के आखिर में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को भी समझ लेते हैं। और इसी के साथ पहले समझते हैं वैश्विक उपायों के बारे में। वियना कन्वेंशन 1885 और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ये दोनों ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते हैं। ये मानव निर्मित रसायनों यानी ओजोन क्षयकारी पदार्थों ODS के उत्पादन व खपत को नियंत्रित करते हैं। भारत इन दोनों समझौतों का पक्षकार देश है। अगला उपाय है किगाली संशोधन। 2016 में रवांडा के किगाली में संपन्न हुए इस समझौते में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। खबर के आखिर में भारत द्वारा किए गए उपायों पर एक नजर डालते हैं। भारत ने 2019 में कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य देश में कूलिंग से जुड़ी मांग की पूर्ति करना, रेफ्रिजरेंट संबंधी निवेश करना और ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। भारत ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं श्याम लाल गुप्त पार्षद। प्रसिद्ध कवि और गीतकार श्याम लाल गुप्त पार्षद को हाल ही में उनकी जयंती पर याद किया गया। श्याम लाल गुप्त पार्षद जी का जन्म कानपुर के नरवल में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी, कवि, गीतकार, पत्रकार, समाज सेवी और शिक्षक थे। इनके अमूल्य योगदान की बात करें तो उन्होंने 1924 में देशभक्ति गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जिसे झंडा गीत भी कहा जाता है, उसकी रचना की थी। इसके अलावा उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलनों में भाग लिया था। साथ ही उन्होंने कॉलेज, अनाथालय और बालिका स्कूल सहित कई संगठनों की स्थापना की थी। उन्होंने दहेज प्रथा का भी सक्रिय रूप से विरोध किया था और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया था। वे सचिव नामक मासिक पत्रिका का संपादन करते थे। उनकी उपलब्धियों की बात करें तो सरकार ने उन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। हम श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद जी से न्याय, साहस, दृढ़ संकल्प आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामलों और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों को निपटाने में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी FTSCs अधिक कुशल है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट संबंधी योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ऋणदाता कंपनियों ने 42,300 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध कराने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर्स का उपयोग किया है। अकाउंट एग्रीगेटर्स यानी AA के माध्यम से कोई व्यक्ति एक ऐसा वित्तीय संस्थान जिसमें उसका खाता है, उसमें सुरक्षित एवं डिजिटल रूप से अपनी जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। साथ ही जानकारी को किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ साझा भी कर सकता है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान को सी वीड कल्टिवेशन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। सी वीड समुद्री पादपों और शैवालों की विविध प्रजातियों का सामान्य नाम है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के उल्लंघन पर दंडित करने के लिए कठोर पर्यावरण क्षतिपूर्ति यानी EC दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नियम अपशिष्ट बैटरियों के प्रबंधन के लिए मानक निर्धारित करते हैं। वामपंथी उग्रवाद ने पलामू टाइगर रिजर्व यानी PTR में वानिकी कार्यों में बाधा उत्पन्न की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। GST आसूचना महानिदेशालय यानी DGGI ने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल यानी OIDAR सेवाओं में कर चोरी को रोकने के लिए सूचना साझा करने और प्रवर्तन उपायों हेतु विदेशी सरकारों के साथ
पारस्परिक व्यवस्था का सुझाव दिया है। DGGI एक शीर्ष खुफिया संगठन है। यह संगठन GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर चोरी पर खुफिया जानकारी एकत्र करता है तथा उसका प्रसार करता है। क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी QNLP लार्ज लैंग्वेज मॉडलिंग यानी LLM के लिए संभावित रूप से गहन निहितार्थों वाला एक उभरता हुआ अनुसंधान क्षेत्र है। QNLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में फॉस्फेरिक अम्ल की बढ़ती मांग ने भारत के कृषि क्षेत्र के समक्ष संभावित खतरा पैदा कर दिया है। हालांकि भारत का कृषि क्षेत्र पहले से ही आयातित उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भर है। फॉस्फोरिक अम्ल का उपयोग लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी LFP बैटरियों में किया जाता है। जाने से पहले आपके समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।